देखो आप गौशाला के बारे में बात करते हैं, नंदीशाला के बारे में क्यों नहीं सोचते? सही बात, बहुत बड़ी बात। तो किसी भी गौपालक को या जो भी गौशाला में डेयरी में काम करना चाहिए तो वो नंदी का चुनाव करते वक्त क्या खास बात? सही बात बोले आप। तो नंदी लेते समय आप कभी भी जहाँ गौशाला में रिकॉर्ड रखा है उसी गौशाला से नंदी ले लो। तो अच्छा, जो गिर को लेकर आजकल बहुत ज्यादा चलन है, क्या आपको लगता है कि गिर की आड़ में बाकी नस्लें थोड़ा सा दब सी गई? ओंगोल में काम अच्छी तरह से, बहुत अच्छा काम ओंगोल में चालू है, हल्लीकर में चालू है, कंगायम में चालू है, ऐसी बात नहीं है, गिर में ही चालू है। अब अभी कभी भी गुजरात राजस्थान जाओ, कांकरेज के नंदी है और कांकरेज में भी 12-14 लीटर 16 लीटर तक दूध देने वाली गाय है, कोई प्रॉब्लम है। और कांकरेज की नजाकत देखो, कांकरेज कैसी चलती है, शेर की तरह चलती है एकदम। जय गो माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज पुणे शहर में हूँ और आदरणीय मिलिंद देवल जी के साथ हूँ। महाराष्ट्र में जो गिर की क्रांति हुई है, गिर को लेकर जो बहुत बड़ा जागरूकता फैली है, उसमें मिलिंद सर का बहुत बड़ा रोल है। तो आज गिर संवर्धन या भारतीय नस्ल की गायों के संवर्धन पर कुछ जरूरी बातें करने मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सर प्रणाम। आपका स्वागत है माटी इंडिया चैनल्स पर। सर, भारत में संवर्धन बहुत तरीके से होता रहा है। पहले हमारा नेचुरल ब्रीडिंग पर फोकस करता था हमारा समाज, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से भी होता जा रहा है। लोग सीमन पर, सेक्स ऑट सीमन पर, एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या ये वक्त की ज़रूरत है या ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, कैसा है, आपको सर्वाइव होने के लिए, किसी भी नस्ल में काम करने के लिए, सर्वाइव होने के लिए, अच्छी नस्ल पैदा होने के लिए, जैसी नई नई टेक्निक्स आ रही है, नया नया तरीका आ रहा है, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर है, आईवी सेट है, जो कुछ है, ये जो सीमेन सॉल्टेड सीमेन है वो अच्छा ही है, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी जो हमको अचीव करना है, हमको टारगेट अचीव करने के लिए जो कुछ स्टेप्स, एडवांस स्टेप्स लेना है वो तो अडॉप्ट करना ही चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। देखो, बाहर के देशों में, फॉरेन में जितना अच्छा तरह से काम हो रहा है, इतना अपना तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। हम अभी अच्छी तरह से काम करने चले हैं, लेकिन देखो कैसा है, हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास पहले इतना दिमाग नहीं था, उतना प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं थे, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी सब जगह आ गई है, तो हम अडॉप्ट करना ही चाहिए, जैसे हम, नहीं तो हम टारगेट अचीव नहीं करेंगे। हमको शुद्ध गोवंश नस्ल की चाहिए ना, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम को फॉलो करना ही चाहिए, असली नंदी अपने पास होना चाहिए। देखो, आप गौशाला के बारे में बात करते हैं, नंदीशाला के बारे में क्यों नहीं सोचते? सही बात, बहुत बड़ी बात। अरे नंदी तो होना ही चाहिए, भगवान महादेव जी के पास नंदी था, क्यों था, उसका समझ होना चाहिए। देखो कैसे, जब अच्छा नंदी होता है तो हमारे पास अच्छे बछड़े होते हैं, अच्छा नंदी है तो हम अच्छा नंदी का सीमेन यूज करते सकते हैं, जब अच्छा नंदी है तो उसके सीमेन से हम सॉर्टेड सीमेन करके कर सकते हैं, लेकिन नंदी अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आम के पेड़ को सफरचंद नहीं आते, कभी सेब नहीं आते, आम के पेड़ को आम ही चाहिए, उसी तरह से अच्छा नंदी होना चाहिए। तो अच्छा नंदी है तो आपके पास पैदाश अच्छी होगी, लेकिन ये दिमाग में पक्का होना चाहिए और उसी तरह से काम चालू हो जाएगा। अभी केंद्र में भी चालू है, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में भी चालू है, सभी जगह अच्छे, लेकिन अभी अच्छा सोचना चालू हो गया है कि हमको क्या करने का है,
ये अभी गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास, मैं अपने महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल में भी तो अच्छा तरह से काम हो गया, उनको फोकस हो गया है कि अपने देश में अपने जो प्रजाति है उनका अच्छा सांड होना चाहिए, अच्छा नंदी होना चाहिए, उनको अच्छा गौशाला होना चाहिए, अच्छा नंदीशाला होना चाहिए। तो लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है, आपका इस विषय पर क्या कहना है कि सीमन से अगर बच्चा होता है और अगर वही नेचुरल ब्रीडिंग से बच्चा हो रहा है, क्या दोनों की क्वालिटी में फर्क होता? कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। अच्छा। देखो कैसा है, जब नेचुरल ब्रीडिंग के बारे में मैं बात करता हूँ, एक बात ध्यान में पक्की होना चाहिए जी, कि अपने गौशाला के गाय के सिवा बाहर के गाय को कभी भी नंदी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाहर के गाय की नंदी, बाहर की गाय समझो ब्रुसेलोसिस पॉजिटिव है, उसका एबॉर्शन हो गया है, उसका डिस्चार्ज में प्रॉब्लम है, और हम पैसे की, थोड़े ही पैसे के लालच में उसको नंदी को, गाय को सर्विस दे दिया, तो क्या हो जाएगा, अपना नंदी बर्बाद हो जाएगा, और ये अपने नंदी की जो उसको बीमारी आ जाएगी वो अपनी पूरी गौशाला की गौ माता को आ जाएगी। समझ में आया आप? लेकिन पैसे, थोड़े ही पैसे के लालच में बिना देख के बिना सोच के गाय आई पैसा मिलने के लिए, हमने उसको नंदी दे दिया, सर्विस दे दी, तो अपना नंदी खराब हो जाएगा। लेकिन अपना नंदी खराब होने की मालूमत आपको कभी पड़ जाएगी, मालूम हो जाएगी, जब आपकी गौशाले की सभी गाय प्रेग्नेंट कंसीव नहीं होती, एबॉर्शन होना चालू हो जाएगा, तो अपना पूरा हर्ड खराब। इसलिए नंदी को जागरूक तरह से सर्विस देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और देखो गाय अपनी पहली बेत की बछड़ी है और नंदी तगड़ा है, गाय के वो पहले बेत की जो हिप पे आने वाली हिपर रहती है उसका कम से कम वजन 300 किलो होता है और नंदी का किलो 900 किलो हो गया, और गाय लटक गई, गाय को कोई इंजुरी हो गई तो गाय बर्बाद। और एक नंदी का इस्तेमाल हम कम से कम 18 साल तक कर सकते हैं, जब कब उसका, जब हम सीमेन निकालते हैं तो हम 60 साल भी वो सीमेन यूज कर सकते हैं। बैल चला गया, बैल शांत हो गया, लेकिन उसका सीमेन तो रहते है ना अपने पास, तो वो देन नहीं है, वो जो टेक्नोलॉजी को देन है ना, हम ये सीमेन यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी परंपरा थी, हाँ, भारतीय जो परंपरा थी उसमें तो पंचायती नंदी की परंपरा, हाँ, थी। सही बात पे आ गया। अभी पंचायत नंदी में आपने देखा है, ऋग्वेद में भी लिखा है जी, आप ऋग्वेद में जो रुचा है गोपालन के बारे में जी, वो एक बार ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के में आप अभ्यास कीजिए, वो संस्कृत में जी, कोई भी अपना संस्कृत जानने वाला आदमी आपको बताएगा जी अच्छी तरह से जी। जो वेदों में लिखा है, वेदों में क्या लिखा था, जब वो नंदी की बेटी ब्रीडेबल हो, यानी पैदाश करने के लिए, पैदाश करने के लिए समय से नजदीक आ गई है, तो उसको बाप नहीं देना चाहिए, वो वेदों में लिखा है, इसमें नया क्या है? पंचायत राज में क्या करते थे, 3 साल के बाद ये नंदी दूसरी गाय को, और सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या बोलते थे, जो डेनमार्क और ब्राजील वाले ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम बनाया, वो क्या बनाया, 50 गाय को एक ग्रुप दिया ए नाम, ग्रुप को ए नाम दिया, 50 गाय को बी नाम दिया, सी नाम दिया, 50 गाय को वहां एक्स नंदी रखा, यहाँ वाई नंदी रखा, यहाँ जेड नंदी रखा, तो ए और एक्स की जो बछड़ी पैदाश हो गई और बड़ी हो गई तो वहां वाई नंदी लाया, बी और वाई का जब बछड़ी प्रेग्नेंट के समय आतुर हो गई तो वहां जेड नंदी लाया, और सी और जेड के जो बछड़ी आ गई तो उधर ए नंदी लाया, वैसा ब्रीडिंग प्रोग्राम होना चाहिए और उसी तरह से काम करना होना चाहिए। इसको कम से कम 35 साल लगते हैं, 25 साल तो पक्के लगते हैं, 25 years।
तो अच्छे परिदृश्य अपने यहाँ भी हो सकती है। तो अगर नंदी का जो चुनाव की बात होती है कि नंदी ब्रीडिंग के लिए तैयार हो गया है, हाँ। तो क्या उम्र से सही उसका रिजल्ट ओरिएंटेड होता है नंदी? वो 3 साल से नंदी अच्छी तरह से काम यानी ब्रीडिंग के लिए लायक होता है। तो क्या ये उम्र में कुछ एक्यूरेसी रेट होता है कि अभी? नहीं नहीं, 3 साल तक ही होना चाहिए। किसी भी गौशाला में देखो अढ़ाई यानी 30 मंथ से 36 मंथ तक बुल अच्छा कोई भी हो वो पैदा कर सकता है। अच्छा, तो जो 5 साल के बुल का सक्सेसफुल या एक्यूरेसी रेट होगा? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होता वैसा। मेरे पास 16 साल का नंदी था। अच्छा। मेरे जो है देवलगो परिवार के सदस्य में उसके पास 16 साल का उम्र का नंदी था, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा। कभी स्पर्म क्वालिटी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, तो उसके जो हम खाना खिलाते हैं उसको जो अच्छी तरह से संभालते रखते तो उसके स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहती है। तो किसी भी गौपालक को या जो भी गौशाला में डेयरी में काम करना चाहिए तो वो नंदी का चुनाव करते वक्त क्या खास सही बात बोले आप। देखो नंदी के जो लैंडमार्क है जी। जो गिर नस्ल के बारे में आप अभी बात चल रहे हो तो गिर नस्ल के बारे में देखो, जो गिर नस्ल के थंब रूल आइडेंटिफिकेशन है वो उसके पास होना चाहिए। उसका सिंह कैसा होना चाहिए, उसके आँख कैसे होना चाहिए, जो स्ट्रक्चरल बॉडी है उसके नाखून कैसे होना चाहिए, उसके खुर कैसे होने चाहिए, अगले खुर का और पिछले अगले पैर का और पिछले वाले पैर का प्रोपोर्शन अच्छा है या नहीं वो सही होना चाहिए। बुल के जो चौक रहते हैं वो पिछले वाले कैसे रहना चाहिए, उसके सेपुट कैसे होनी चाहिए, उसका मूत्राशय का मार्ग कहाँ तक होना चाहिए और उसको चपड़ाई कितनी है, उसकी गर्दन कैसी है, ये सब मालूमत पक्की होना चाहिए। मेरा जो मेरे किताब में जो मैंने मराठी में लिखा है आदर्श नंदी कैसा होना चाहिए, आदर्श नंदी का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, उसी तरह से। तो ये देखो अभी बोलते हो समय बात भूल गया मैं जी। नाउ आई एम रनिंग 64, प्लीज कंसीडर माय। देखो बैल लेते समय जी, नंदी लेते समय जी, अपने उसके माँ का रिकॉर्ड देखना चाहिए जी। उसका बाप कौन सा था, बाप के माँ का दूध कैसा था, वो पूरी मालूमत होने के बाद आपने नंदी लेना चाहिए। तो नंदी लेते समय आप कभी भी जहाँ गौशाला में रिकॉर्ड रखा है उसी गौशाला से नंदी ले लो, ये मेरी आपको विनंती है, प्रार्थना है। तो आपने जो अपनी किताब में नंदी चुनाव पर जो बातें लिखी, हाँ, वो मराठी में लिखी, हाँ। इतना गूढ़ अध्ययन कैसे आप पर आया कि इतनी डिटेलिंग आपने कैसे लिखी? कैसे लिखी यानी मैं समझा नहीं आप। इतनी बड़ी बड़ी जानकारियाँ आपने, हाँ। किस अनुभव? देखो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम एग्रीकल्चर फैमिली, मेरे घर में कम अभी मेरे घर में 5-6 साल हो गए गाय नहीं है, नहीं तो हम पहले घर से इस्तेमाल करते थे, गोधन मेरे पास था। तो अच्छा, जो गिर को लेकर आजकल बहुत ज्यादा चलन है, क्या आपको लगता है कि गिर की आड़ में बाकी नस्लें थोड़ा सा दब सी गई? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। देखो अभी राठी में भी अच्छा काम चालू है, सहवाल में काम चालू है, थरपारकर में काम चालू है, कांकरेज में काम चालू है। देखो आपने कोकन कपिला यानी देखो आप वो पंगानोर है, वेचूर है, मल्लेना गिड्डो है, कासर गिड्डो है, कितने है टॉल एंड डॉर्फेट वराइटी के, उनमें भी काम अच्छी तरह से चल रहा है। ओंगोल में काम अच्छी तरह से, बहुत अच्छा काम ओंगोल में चालू है, हल्लीकर में चालू है, कंगायम में चालू है, ऐसी बात नहीं है गिर में ही चालू है। अरे हल्लीकर का बछड़ा 6 महीने का नंदी हो या बछड़ी हो, नंदी हो तो 6 महीने का 1.5 लाख में जाता है और बछड़ी हो तो 1 लाख में जाती है हल्लीकर की। तो क्या इन 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 नस्लों में भी मिल्क कैपेसिटी बढ़ सकती है? नहीं नहीं, देखो कैसे है, अपने भारत यो जो 6 ऋतु का देश है, पहले ये बात पक्की ध्यान में ले लो, 6 ऋतु का देश है, अपने यहाँ 3 प्रकार की
गोवंश है तीन प्रकार में, एक खाली खेती के लिए, एक खाली दूध के लिए, और तीसरा जो है वो ड्यूअल पर्पस है, यानी उभय पक्ष में काम कर रहा है, उसके गाय दूध देते और बैल भी खेत के लिए काम अच्छी तरह से काम करते है। देखो आप अभी कभी भी गुजरात राजस्थान जाओ, कांकरेज के नंदी है और कांकरेज में भी 12-14 लीटर 16 लीटर तक दूध देने वाली गाय है, कोई प्रॉब्लम है, अच्छे से काम करता है। और कांकरेज बहुत स्टर्डी रहती है, रेजिस्टेंस पावर उसके ज्यादा रहती है। और कांकरेज की नजाकत देखो, कांकरेज कैसी चलती है, शेर की तरह चलती है एकदम। तो वैसे सर के साथ बात करने का तो बहुत मन है, अब सूरज भी ढल चुका है, अंधेरा भी हो रहा है, सवालों की फेरिस्त बहुत लंबी है, फिर कभी समय के मिलेगा तो बहुत डिटेल में और चार घंटे मैं आपको यहाँ बैठ के रख सकता हूँ मैं भी रह सकता हूँ और सवाल खत्म नहीं होंगे, लेकिन लाइट भी साथ नहीं दे रही है। लेकिन फिर इस वादे के साथ इस वार्तालाप को खत्म करता हूँ कि दोबारा आऊंगा और बहुत अच्छे सवालों के साथ आपके गोपालकों के सवालों को लेकर यहाँ दोबारा आऊंगा और उम्मीद करूंगा कि देवल साहब हमेशा की तरह आप लोगों को संतुष्ट करेंगे। सर आपने समय दिया। अरे नहीं नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं गो सेवक हूँ, गोव्रती हूँ मैं, ये बात पक्की ध्यान में रखो, मैं गो सेवक हूँ और गोव्रती हूँ, मैंने व्रत लिया है गोपालक खड़े करने का। धन्यवाद।